फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेकी फिंग। तो काफ़ी लोग आजकल शिकायत कर रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में वो ऑनलाइन अकाउंट नहीं ओपन कर पा रहे हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि हाँ, परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है लोगों को जब पंजाब नेशनल बैंक में वो ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने जाते हैं। तो ये अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोगों का अकाउंट किसी तरह से ओपन हो जाता है तो वीडियो केवाईसी में दिक्कत आती है, तो कुछ लोगों का एक सिरे से अकाउंट ही नहीं ओपन हो पाता है, एरर आता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो आप ऑफलाइन ब्रांच से जा करके अपना अकाउंट ओपन करें। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि तो फिर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का जो सिस्टम दे रखा है बैंक ने, उसका क्या फ़ायदा? तो जी हाँ, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो ये हमारी मजबूरी है। और देखिए, वैसे भी आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर सरकारी बैंक में आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो कोई ना कोई वजह से आपको ब्रांच पे विजिट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे वो केवाईसी कराना हो, सिग्नेचर अपडेट कराना हो, या फिर पासबुक लेना हो। तो कुछ ना कुछ मजबूरी आ जाती है या कोई ना कोई ज़रूरत पड़ जाती है जिसके चलते ब्रांच विजिट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जब आपको ब्रांच विजिट करना ही है तो बेहतर है कि आप ब्रांच विजिट करके अपना अकाउंट ओपन कराइए। मैं भी बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें नाकामयाब रहा। बहुत कोशिश करी लेकिन एरर आ रहा था, तो इसलिए मैंने ऑफलाइन ब्रांच से जा करके ये अपना अकाउंट ओपन करा लिया पंजाब नेशनल बैंक में। जैसा कि आप देख सकते हैं, पासबुक मेरे हाथ में है। तो ये मैंने ऑफलाइन, क्योंकि ब्रांच से अकाउंट ओपन कराया है तो मुझे सब कुछ ऑलमोस्ट मिल चुका है, बस इसका डेबिट कार्ड आना बाकी है। चेकबुक मैंने लिया नहीं, लेकिन मैं चाहूँ तो चेकबुक भी ले सकता हूँ, पासबुक है मेरे पास। तो अकाउंट कंप्लीट है, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सब कुछ मैंने एक्टिवेट कर लिया, रजिस्टर कर लिया है। वीडियो भी आ जाएगा धीरे धीरे करके सबका। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर पा रहे हैं तो आप बेहतर है कि ब्रांच विजिट करके अकाउंट ओपन कर लें, क्योंकि वैसे भी अकाउंट ओपन होने के बाद आपको ब्रांच जाना पड़ेगा केवाईसी कराने के लिए, जिसको हम कहते हैं फुल केवाईसी, सिग्नेचर अपडेट करने के लिए, और ये पासबुक लेने के लिए भी। तो बेहतर है कि आप ब्रांच जा करके ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। अब अगर आपका ये सवाल हो कि कितना इनिशियल डिपॉजिट करना होगा और कितना मिनिमम बैलेंस हमें मेंटेन करना होगा अपने अकाउंट में, तो ये डिपेंड करता है आपकी ब्रांच लोकेशन पे कि आपकी जो पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच है वो किस लोकेशन में आती है। जैसे कि रूरल एरिया में आती है, या फिर सेमी अर्बन एरिया में आती है, या फिर अर्बन एरिया में आती है, या फिर मेट्रो लोकेशन में आती है, तो ये डिपेंड करेगा। तो 500 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक जो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, डिपेंडिंग ऑन ब्रांच लोकेशन। तो क्योंकि मेरा जो ब्रांच है वो एक अर्बन एरिया में आता है, तो मुझे 2000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, और मुझसे 2000 रुपये इनिशियल फंडिंग करने के लिए कहा गया था, तो वो मैंने 2000 रुपये इनिशियल फंडिंग कर दिए, बल्कि 2000 से ज़्यादा किया है। और क्यों ऐसा किया है इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, और वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो 2000 रुपये मुझे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा अपने पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग्स अकाउंट में। और अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग्स अकाउंट के मिनिमम बैलेंस के बारे में जानना हो तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी वीडियो मिल जाएगा, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो अगर आप ऑफलाइन ब्रांच से अपना अकाउंट ओपन कराते हैं पंजाब नेशनल बैंक में, तो देखिए आज के टाइम में जो प्रोसेस होता है वो सारा ऑनलाइन ही रहता है, भले ही आपसे जो है वो सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराई जाएँ जो पहले फॉर्मेलिटीज़ हुआ करती थी, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप करना। तो वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको फिल करना होगा, और आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी और एक फ़ोटोग्राफ, आप साथ में दो फोटोग्राफ ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सेम डे में पासबुक अगर मिल जाए तो पासबुक पर भी एक फ़ोटो चाहिए होता है, तो पासबुक पर भी आपको फ़ोटो लगाने के लिए एक एक्स्ट्रा फ़ोटो चाहिए है, तो आप, मैं कहूँगा कि दो फ़ोटो ले लीजिएगा तो बेहतर है। वैसे तो एक की ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप दो ले लीजिएगा। और बाकी आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना होता है और सिग्नेचर वगैरह आपसे कराया जाता है, और फिर उसके बाद में जो आपकी डिटेल्स होती हैं वो सब ऑनलाइन जो है चढ़ाई जाती है, मतलब एक तरह से ऑनलाइन फीड करी जाती हैं। तो जो बैंक स्टाफ होते हैं वो ऑनलाइन फीड करते हैं आपकी डिटेल्स, और आपका फ़ोटो भी लेते हैं, तो वो आप जब ब्रांच में जाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा। तो होता है इसमें ऐसा है कि कभी कभी कोई अकाउंट तुरंत ही नहीं बन जाता है, मतलब तुरंत ही अकाउंट नंबर नहीं जनरेट होता है, तो उसमें हो सकता है कि एक दिन का टाइम लगे, तो आपको बुलाया जाए कि आप अगले दिन आइएगा और आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा और पासबुक में मिल जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। और कभी कभी को सेम डे में ही अकाउंट नंबर वगैरह मिल जाता है तो पासबुक भी दे देते हैं, और डेबिट कार्ड आपके एड्रेस पे भेजा जाता है जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होता है उस पे भेजा जाता है। तो
तो अगर बैंक के पास पहले से ही किट मौजूद होती है डेबिट कार्ड की तो दे भी सकते हैं बैंक वाले, और नहीं मौजूद हो तो आपको पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड भेजा जाता है बाय पोस्ट, जो आपको स्पीड पोस्ट के ज़रिए से भेजा जाता है और आपको लगभग आप मान के चलिए कि 10 से 15 दिनों के बीच में रिसीव हो जाता है, मिल जाता है आपका डेबिट कार्ड। और मोबाइल बैंकिंग आप बिना डेबिट कार्ड के भी रजिस्टर कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग भी। और इसका वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा, काम सब हो गया, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, और बहुत ही अच्छे से जो है पेश आए जो स्टाफ थे, तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। बाकी आप जो है अपनी ब्रांच पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके ब्रांच वाले कैसे हैं, और आप चाहें तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।